चित्तौड़गढ़ आवासीय कॉलोनी में शराब की दुकान खोलने से बच्चियों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है, जिसे लेकर आज कई मासूम बच्चियां जिला कलेक्टर के पास दारू की दुकान बंद कराने के लिए पहुंची और कहा, शहरवासी राजस्थान में कोई मंदिर, स्कूल और मेडिकल की दुकान के 50 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान ना खुले। वही चित्तौड़गढ़ बापू नगर सैंथी मेन रोड पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यह मंदिर, मेडिकल, स्कूल, इन तीनों के होते हुए दारू की दुकान खोल दी गई, जिससे शहर वाले परेशान होकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। बच्चियों और माताओं का कहना है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। आज अगर कोई व्यक्ति दारू पीकर किसी बच्ची को अपना शिकार बना लेता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वही जिला कलेक्टर अरविंद पोस्टवाल ने आश्वासन दिया है कि आधे घंटे में जाकर दुकान को बंद करा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जिला कलेक्टर क्या संज्ञान लेते हैं। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ से सुनीता शर्मा की रिपोर्ट। सार्वजनिक रूप पर जहाँ पे अलोट कर दिया और वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, और कहें कि इस तरह से सामूहिक जो जगह है और जहाँ पर इस तरह से बच्चियाँ सब आ रही है और वहाँ पर अगर इस तरह से एल्कोहलिंग और जो शराब की कुएं इस तरह से अलोट कर दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये परिवार उसी को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहा है और कलेक्टर जो रहे पर इन्होंने ज्ञापन दिया। और बात करते हैं यहाँ की बच्चियों से कि किस प्रकार का ये मामला है और किस तरह से इनका कहना है। क्या वहाँ क्या समस्या आ रही है? क्या जस्ट हमारा घर जस्ट पीछे है जहाँ पर शॉप खुली है, आधी रात में काम हुआ और हम मॉर्निंग में उठ के देखते हैं तो एक नई शॉप हो गई है लेकर के, और उसके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम रात को 8 बजे के बाद उस जगह पर उस गली में भी नहीं जा सकते। किस क्षेत्र में, किस एरिया में? सेती में है, मेन रोड पर है, जहाँ पर अम्बिका जोधपुर स्वीट होम है मेन रोड पर, वहीं पर ये शॉप है। आसपास में मेडिकल की शॉप्स है, वेजिटेबल की शॉप है, सारी शॉप्स है, खाने पीने की सारी दुकानें हैं, और उसी बीचों बीच एरिया में अगर ये शॉप ऐसी होगी तो फिर हम वहाँ पर आना जाना भी हमारा मुश्किल है। बच्चे कम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं है, हम लोग बाहर खेलने भी नहीं जा, छोटे जो बच्चे हैं वो बाहर निकल भी नहीं सकते, खेलने भी नहीं जा सकते। इवन हम लोग रात को 9 बजे भी अगर कुछ सामान या इमरजेंसी भी खाना होगा तो हम नहीं जा सकते। बेटा आपका क्या कहना है, जिस तरह से शराब की नॉन मांग है तो आप क्या किस तरह से? नहीं, बेसिकली खुलनी नहीं चाहिए क्योंकि पब्लिक प्लेस है तो उस जगह हाँ पर मंदिर है पीछे, इधर मेडिकल शॉप से, स्वीट शॉप से स्नैक्स मिलते हैं, मतलब इस ऐसे टाइप की जगहों पे तो आपको एटलीस्ट अल्कोहल और लिकर नहीं सेल करना चाहिए, इनके लिए अलग जगह, अलग एक अलग से एरिया होना चाहिए। अब आप क्या मांग करते हो, क्या कहना चाह रहे हो? मेरी तो ये विषय है कि वहाँ से हटा देनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी भी जगह पर जहाँ पब्लिक हो, जहाँ बच्चे आते हों, वहाँ नहीं लगानी चाहिए अल्कोहल। आप साफ कहें कि बच्चों का जिस तरह से भय है और आने वाले समय में जिस तरह से बच्चों को इसीलिए कि आज ही इस तरह का ठेका अलॉट कर दिया जाता है और फिर बाद में आगे चल के इन बच्चियों पर वही ठेके अलॉट होने के बाद वहाँ पर ड्रिंक हो जाएगी और फिर जिसमें शराब के नशे में लोग अपराध को भय और आगे बढ़ने का कार्य हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये डर सता रहा है। और आस पास में पब्लिकली जिस तरह से मिठाई और मेडिकल्स की शॉप से जिसमें बच्चों का आना जाना लगा रहता है, तो यहाँ पर आप आमतौर पर देख सकते हो यहाँ ज़्यादातर तो महिला है, पुरुष कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बच्चे और महिलाओं को ज़्यादातर ऑब्जेक्शन इसी बात का है कि वहाँ शराब की दुकान किस तरह से लोड कर दी गई और किस तरह से उसे चलाने की शुरुआत कर दी। स्वीट्स की शॉप है, वेजिटेबल शॉप पर बिकती है, यहाँ पर मतलब एक पब्लिक एरिया है और वहाँ पर आपने सडनली ऐसे अल्कोहल लिकर इन सब की दुकान खोल दी तो ऐसा नहीं चलता है, बच्चे नहीं जा पाते हैं। अब देखो वहाँ पर मेडिसिन लेने जाना होता है, परमिशन नहीं दे रहे हैं कुछ स्वीट्स लेके आने, तो वहाँ कैसे जाए? कोचिंग्स वहीं है, सुरक्षा नहीं, नहीं हाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती। और हाँ अजीब लगता है अल्कोहल उनके पास में ही है ना, जस्ट अटैच्ड है इसलिए। हाँ वहाँ पे एक ही दीवार पर हमारा ऑफिस है, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों साथ बैठते हैं। अभी 7 दिन से मैं ऑफिस नहीं जा पा रही क्योंकि उसकी वजह से मैं सहज नहीं हूँ वहाँ जाने के लिए। जो पार्षद है उन्होंने आपके समर्थन में आया या नहीं आया? सभी हमारे समर्थन में है, और फिर दुकान बंद हो रही है पर अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं, और जिनका घर बिल्कुल पीछे ही है खिड़की खोल के वो देख भी नहीं सकते क्योंकि अब तो वहाँ पर लोग पीने लगे हैं, लोग बाहर बैठ कर। इससे पहले भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया था? इससे पहले भी। आज कुछ 50 से 100 महिलाएं जो है हमारे कार्यालय में उपस्थित थी, तो यहाँ वार्ड नंबर 31 का ये मामला, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी एक राइट की एक मांग थी कि यहाँ एक शराब का नया ठेका खुला 2-3 दिन से, उसको बंद करा जाए। तो आज उसी की जांच करने के लिए हम नगर परिषद चिन्ह और एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ यहाँ पे मौके पर आए, तो जो संबंधित कागजात हैं उसको लेके रास्ते को बुलाया गया और सभी कागजी के बाद जो इसके ऊपर करेंगे। बिल्कुल अगर
जो बातें बताई गई है, जो मेरे किसान है और बाकी जो आसपास पास इलाके उसको देख लिया गया और एक बार कागज देखने की जांच करनी पड़ेगी। और हालांकि मोटर पे उसको बता दिन का समय दिया गया है, लोग जो है समाधान और तब तक के लिए ये जो है दुकान बंद रखेंगे। काफी और हो सकता है कि इसको बदल के नहीं, जब तक इसकी जांच नहीं होती है तब तक दुकान ये बंद रखेंगे। वो बात